बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है हलवा, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी अपनी रेसिपी शेयर करूं। ये मैंने 1/4 कप सूजी ली है और 1/4 कप मैंने घी में 3-4 इलायचियाँ डाल के उसको लाइट ब्राउन कर रही हूँ, और चीनी मैंने 1 कप ली है। सूजी मेरी 1/4 कप थी और 1/4 कप ही मेरा घी था। तो जैसे ही मेरी सूजी ब्राउन होगी तो मैं इसके नीचे से आंच बंद कर दूंगी ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, और जो मैंने इसका शीरा बना के रखा है फिर वो मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया हुआ है। अब ये इसके बॉयल आ रहे हैं और मैंने इसके जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स के ऊपर से मैंने जो इसके छिलके वगैरह उतार के रख लिए हुए हैं वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। अब मैंने गरी लिया है, मेवा लिया है और बादाम लिया है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसे डाल सकते हैं। ये देखें आधा मैंने डाल दिए हैं, थोड़े से मैंने बचा लिए हैं ताकि मैं इसको गार्निश कर सकूं। ये मैं बना रही थी तो मुझे अचानक याद आया कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, तो मैंने कैमरा ऑन कर लिया, इसलिए मैं तमाम इन्ग्रीडियंट आपको शुरू में नहीं दिखा सकी, दरमियान में ही से मैंने स्टार्ट कर लिया था। और ये जैसे ही बनेगा बहुत मज़े का बनता है, आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये जो मैंने लिया है सूजी लिया है, ये वाला मैंने कप लिया है 1/4 कप सूजी का और 1 कप चीनी का। 1 कप चीनी का लेके मैंने 3-4 इलायचियाँ डाल के, 4 ग्लास पानी डाल के इसका शीरा अलग से तैयार कर लिया था, और मैंने जो 1/4 कप सूजी ली है और 1/4 कप ही मैंने घी का लिया था, और वो मैंने 3-4 ग्रीन इलायची जो उनसे होती हैं, छोटी सब्ज़ इलायची जिसे कहते हैं, वो डाल के इसको ब्राउन करके, तो उसके अंदर सूजी हल्की लाइट ब्राउन की है हल्की आंच के ऊपर, और फिर मैंने शीरा मिक्स कर दिया है और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने पील अप किए थे उसके छिलके वगैरह उतार दिए थे बादाम के, तो वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। बाकी मैंने इसके गार्निश के लिए रख दिया हुआ है, और बाद में मैं गार्निश करूँगी इसको। ये जैसे जब तक हमने तब तक इसको चम्मच को हिलाते जाना है जब तक ये हलवा साइडें ना छोड़ दे देसकी की या कढ़ाई की, जो जिसमें भी आप बनाएंगे। ये देखें अब ये सख्त होता जा रहा है, बस अब ये थोड़ा सा और बन पकेगा तो बस ये डन है। थोड़ा सी मैं बात करूंगी, ये जो आजकल कोरोना वायरस आया हुआ है हमारे मुल्क में भी आ गया है, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अपने ज़ुमान में रखे, हमारे घरों को, हमारे बच्चों को, और सारे जितने भी मुल्कों में ये सब ये वबा फैल चुकी हुई है, अल्लाह ताला वहाँ से सबको अपने ज़ुमान में रखे, और ये आफत से जो आफत आ गई है सबके ऊपर इस वक्त, क्या मुसलमान और क्या दूसरे ममालिक में जो लोग रहते हैं सबके ऊपर इस वक्त सब इस चीज़ के शिकार हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुमान में रखे, और अल्लाह ताला की जो नाराज़गी आ गई है अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हमसे जो गुनाह हो चुके हैं अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श दे और इस बीमारी से हमें निजात दिलाए, हमारे बच्चों को अपने ज़ुमान में रखे। हाँ जी, और ये जी बस आप मुझे भी अपनी दुआओं में रखें, हम भी आप लोगों के लिए बहुत दुआ करते हैं, अल्लाह ताला सबको सुकून दे और बीमारियों से बचा के रखें। अब बच्चों को अंदर रखें, बाहर ना भेजें, छुट्टियां हो चुकी हैं, मुझे पता है बच्चे अंदर नहीं रहते हैं, मगर फिर भी आप कोशिश करके उनको अंदर ही रखें। अच्छा जी, आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।